हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज के इस वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स कि बोर्ड टॉपर अपना टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है या अपने कॉलेज में अपना नाम रोशन करना है तो आपको इस तरीके से, जिस तरीके से मैं टाइम टेबल बनाया हूँ, इस तरीके से स्टडी में लग जाना है और अपना नाम रोशन करना है। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपको पूरा सब्जेक्ट का बताएं कि किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है और कितने बजे पढ़ना है, किस समय पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि अगर वीडियो को देख लेते हैं तो आपको पढ़ने में लत लग जाएगी और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में याद करने में दिक्कत आती है तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूं कि वैज्ञानिक विधि से आप कैसे याद कर सकते हैं। उसमें 6 टिप्स बताए हैं, अगर उस टिप्स को आप फॉलो करते हैं तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हूँ, उसको भी देख सकते हैं। बट इसको पहले टाइम टेबल को देखिए कि किस तरीके से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पर कितना टाइम देना है और कौन सा किस टॉपिक पे हमें अच्छे से स्टडी करना है। तो इस टाइम टेबल को पूरा देखिए। क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए है। क्लास 10th की ये बताएंगे और क्लास 12th की लिए ये बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद आए तब देखिए। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी बोर्ड एग्जाम से संबंधित कोई भी टॉपिक आपको बनाओ वीडियो तो उसका टॉपिक का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम क्लास 10th की बात करेंगे, ठीक है ना। और आपको भी इस तरीके से चार्ट बनाकर, मतलब टाइम टेबल का चार्ट बनाकर अपने जो क्लास रूम हो या आप रूम में जिस रूम में पढ़ते हैं उसमें 3-4 ऐसे बनाकर टाइम टेबल चार्ट लीजिए सामने, ठीक है, चिपका दीजिए और उस टाइम टेबल को हमेशा देखिए कि हमें इस टाइम टेबल में इतने समय में क्या पढ़ना है, तभी आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। चलिए 10वीं की बात करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट हम बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में सब्जेक्ट कितने होते हैं और सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से बस देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। थोड़ा सा स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर कहेंगे कि अच्छी नहीं है वीडियो, आप बस अंत तक देखिएगा। पहले हम 10वीं की बात करेंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत, इतना सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदी में आपको कितना समय देना है। हिंदी आप कंप्लसरी आपको 30 मिनट टाइम देना है। 30 मिनट में आपको रिविजन करना है टॉपिक वाइज, एक एक प्रश्न को अच्छे से, ठीक है ना फ्रेंड्स। 30 मिनट ही ज्यादा नहीं देना है इसमें। 30 मिनट में आप अच्छे से स्टडी करके और बोर्ड एग्जाम में काफी नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको पढ़ना कब है, तो सुबह में 3 बजे से। सुबह में आपको 3 बजे से पढ़ना है, वो भी फर्स्ट में आपको हिंदी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आप हिंदी में ही अंक नहीं लाएंगे, फेल हो जाएंगे, तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में फेल कर दिया जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अनिवार्य है आपको हिंदी में पास होना। तो आपको 30 मिनट देना होगा टाइम, और वो भी भोर में, मतलब सुबह में 3 बजे। बात करते हैं इंग्लिश की फ्रेंड्स। तो इंग्लिश में आपको 30 मिनट ही ज़्यादा समय नहीं देना है, 30 मिनट ही देना है, वो भी 3:30 यानी 3:30 बजे से इसको भी देखना है। 3 बजे से इसको आधे घंटे और इसके पढ़ने के बाद 3:30 बजे से इंग्लिश को भी पढ़ना है। एक एक चैप्टर को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है उसकी भी वीडियो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसके बाद पहले मैथ की बात करते हैं। तो मैथ फ्रेंड्स, इसमें कितना टाइम देना है, तो 1 घंटा, समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, 1 घंटा टाइम देना है। क्योंकि चैप्टर जब पढ़ने लगेंगे तो कितने सवाल में आप फंसेंगे, कितने आपको दिक्कत देंगे, तो 1 घंटा तो आपको टाइम देना ही होगा। अभी मिनिमम बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, मिनिमम आप 2 घंटे भी टाइम देंगे, जितना टाइम देंगे फ्रेंड्स उतना ही नॉलेज बढ़ेगा, उतना ही सवाल आपको दिमाग में फिट हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी और अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। हम तो अभी बात करें 1 घंटे की, ठीक है। 1 घंटे शाम को 5 बजे से पढ़ना है, ठीक है, कितने बजे, 5 बजे से पढ़ना स्टार्ट करना है, अगर मेरी बात को आप मान रहे हैं तब 5 बजे से पढ़ना है। अब साइंस की बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। साइंस में भी आपको 1 घंटा देना होगा टाइम, क्योंकि फ्रेंड्स साइंस जो है क्लास 10th वालों को उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें आपको 1 घंटा देना है जिस टॉपिक को, देखिए फिजिक्स को पढ़ना है या केमिस्ट्री को, तो फिजिक्स की थ्योरी याद कीजिए और न्यूमेरिकल भी कीजिए। तो चैप्टर बहुत सिंपल है, आप शाम को 6 बजे से इसमें भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 1 घंटा टाइम देना है, तीनों सब्जेक्ट को उसी में रिविजन करना पड़ेगा, ठीक है, कैसे करना है उसकी भी वीडियो मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, है ना। अब देखिए 5 नंबर जो हमारा सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान में आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, 30 मिनट, कितना,
30 मिनट में आपको सुबह में 4 बजे से, 4 बजे से देखिए, क्योंकि यहाँ पर 3 बजे से हमने हिंदी कर दिया, 3:30 बजे से इंग्लिश कर दिया, तो 1 घंटा तो यहीं पर मैनेजमेंट हो गया। इसके बाद आपको 4 बजे से पढ़ना होगा सोशल साइंस। इसमें ज्यादा नहीं, आपको ये सोशल साइंस है स्टोरी की तरह, इतिहास जो है ना उसकी तरह इसको अच्छे से पढ़ना है। जैसे फिल्म देखते हैं आपको याद हो जाती है, उस तरह इसको एक बार पढ़ लेना है, छोड़ देना है, ठीक है। सुबह में 4 बजे से आपको मात्र 30 मिनट, 4:30 बजे तक, और इसके बाद आप फ्रेश होइए, कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, कहीं भी जाना है, इसके बाद आप अपना देखिएगा टाइम टेबल से, है ना। इसके बाद संस्कृत की बात करेंगे, इसमें भी आपको 30 मिनट देना है। अब कब पढ़ना है संस्कृत को ये देख लीजिए, शाम को 7:30 बजे से, शाम को 7:30 बजे से पढ़ना है, ठीक है। शाम को 5 बजे से मैथ कर दिया 1 घंटा, शाम को 6 बजे से कर दिया साइंस 1 घंटा, तो 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटा, 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटा हो गया, और 7 बजे से 7:30 बजे तक, यानी आपको सीधे हम 2.5 घंटे ले चल रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपको टोटल इसमें कितने 10 वालों को पढ़ना होगा, मिनिमम टाइम बता रहा हूँ, 4 घंटे, 4 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा अगर बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है तो। वो भी कैसे, ये नहीं कि आप 30 मिनट पढ़ना बैठ गए और एक बार पढ़ लिए उसको रट्टा रट्टी मार दिए, मतलब रटने से नहीं होगा, उसको अच्छे से पढ़िए। जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, टॉप करने वाले, उसको हमेशा एक ट्रिक चाहिए कि हम कितने टाइम में कितना पढ़ें, तो आपको भी ट्रिक बताएंगे फ्रेंड्स। ये क्लास 10th के लिए था, 4 घंटे में आपको बोर्ड टॉप करना है, तो मैं जिस तरह बताया हूँ उस तरह पढ़ना होगा, और ये भी बताऊँगा किस टॉपिक को आपको पढ़ना है। लास्ट में वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम 12th के बच्चों को भी बताने वाले हैं, तो 12th के बच्चे यहाँ पर ध्यान दें। तो देखिए पहले सब्जेक्ट बता रहे हैं फिर टाइम टेबल बताएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट 5 होता है, 12th में 5 सब्जेक्ट पढ़ना होगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो सबसे पहले 12th के बच्चों के लिए हिंदी का टाइम बता देता हूँ, 30 मिनट, ज्यादा नहीं, आपको भी 30 मिनट टाइम ही देना होगा, वो भी 3 बजे से, सुबह में 3 बजे से। वो भी आप एक एक अध्याय, जैसे कि पेपर आप देखे होंगे उसमें एक एक प्रश्न आता है, दो दो प्रश्न ऐसे करके आता है ना, तो एक प्रश्न को आधे घंटे में पढ़ लेना है, दूसरा प्रश्न नेक्स्ट डे, तीसरा प्रश्न नेक्स्ट डे, आपको अच्छे से रिविजन करना है कि आपको याद हो जाए कंप्यूटर की तरह, है ना। सेकेंड नंबर की बात करते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश में आपको 45 मिनट टाइम देना पड़ेगा, इंटर के बच्चों के लिए 45 मिनट देना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा हार्ड वर्ड आता है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा, तो इसमें 45 मिनट टाइम देना होगा, वो भी सुबह में 3:30 बजे से, ठीक है ना। 3 बजे से चालू करेंगे हिंदी तो 3:30 बज जाएगा, इसके बाद 3:30 बजे से आपको जितना 45 मिनट टाइम दिया उतने बजे तक इंग्लिश को रिविजन कीजिए, इसके बाद आप फ्रेश होइए, अपना स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, कोई भी जाना है, आप उसको मैनेजमेंट कीजिए। अब मैथ की बात करेंगे, तो मैथ में आपको 1.5 घंटा देना होगा, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की नहीं, मिनिमम मतलब कम से कम, मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक, तो मिनिमम मैं बात कर लेता हूँ आपको 1.5 घंटे, 1.5 घंटे शाम 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर टॉप करना है बोर्ड एग्जाम में तब, अगर मेरी बात से सहमत हैं तब 1.5 घंटे पढ़ना होगा शाम को। मैथ और फिजिक्स की बात करते हैं, तो फिजिक्स में भी आपको 1.5 घंटे टाइम देना होगा, क्योंकि बोर्ड टॉप करने वाले बच्चे 1.5 घंटे से ही नहीं, उनको 2-2 घंटा टाइम देना पड़ता है, बट मैं आपको टाइम ज़्यादा नहीं, आप ज़्यादा कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए सोचिए, ठीक है। तो 1.5 घंटा आपको फिजिक्स में भी देना होगा, वो शाम 8 बजे से, देखिए 6 बजे से तो मैंने मैथ बता दिए, तो 1.5 घंटा, तो 6 बजे से 7:30 बज जाएगा, आधे घंटे मैंने आपको पानी वानी पीने के लिए, घूमने के लिए, मतलब 2-3 मिनट फ्रेश के लिए, तभी आप फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना। तो 1.5 घंटा इसको भी पढ़िए 8 बजे से 9:30 बजे तक, ठीक है ना। इसके बाद हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, तो केमिस्ट्री आपको 1.5 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपको 1.5-1.5 घंटा करके पढ़ना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, तो 1.5 घंटा इसको भी पढ़ना है। 1.5 घंटे में देखिए केमिस्ट्री को आधे घंटे शाम को पढ़ना पड़ेगा, शाम को 9:30 बजे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 9:30 बजे से तो फिजिक्स खत्म कर लेंगे, 9:30 बजे से आधे घंटे बस पढ़ना है केमिस्ट्री। वो क्या करना है, आपको थ्योरी को पढ़ना है, बस थ्योरी पढ़कर खाना खाना है, फिर सो जाना है, सुबह को उठना है, तो जितना टाइम मिलेगा 1 घंटा बचा है उसमें आप 1 घंटा पढ़ लीजिए, या कभी भी टाइम निकलता है तो 1 घंटे बस इसमें भी केमिस्ट्री में टाइम दे दीजिएगा, ठीक है ना। अब रहती है कि बात किस किस टॉपिक को पढ़ना है, तो आपको हर एक चैप्टर से आपको 5 टॉपिक उठाना है, एक टॉपिक
किसी एक टॉपिक पर याद कर लिए, उसके बाद दो टॉपिक तीन टॉपिक ऐसे करके तीन चार ठे टॉपिक पढ़िए और उस पर ट्रिक लगा दीजिए, है ना। ट्रिक लगा दीजिए, जिस टॉपिक को याद कर लिए उसको रिवीजन कर लिए, इसके बाद नेक्स्ट डे अगले टॉपिक पर ट्रिक लगाइए, जितना आप पढ़ रहे हैं उसको ट्रिक लगाते चलिए और चैप्टर क्लियर कीजिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर को हर एक टॉपिक पर ट्रिक लगाते हुए याद कीजिए, बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आपका आएगा इस ट्रिक से। अगर इस वीडियो को से सहमत हैं, इस टाइम टेबल से सहमत हैं, तो इस टाइम टेबल को आप मतलब लिख लीजिए दफ्ती पर या रफ पर, और इसको तीन चार ठे लिख कर साट दीजिए अपने दीवार पर। इस टाइम टेबल को हमेशा देखिए, कितना बजे कितने टाइम में क्या पढ़ना है, तभी आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, लाइक कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। लाते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।